या सो एज आई वाज सेइंग कि यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो इम्प्रूव हो गया या बढ़ गया, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कलामिटीज नाउ एक्वायर्ड अ ग्लोबल डायमेंशन। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो एक ही सुपर पावर बचा वो था अमेरिका, और इसके वजह से थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया वर्ल्ड में, क्योंकि कोई और सुपर पावर है नहीं, काफी कुछ दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है नहीं, तो इसके लिए एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर बन गया, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, ताकि ट्रेड और कॉमर्स प्रिवेल कर सके, इकोनॉमिक रिलेशंस बनने लगे कंट्रीज के बीच में, एनिमी नेशन का नाम चेंज होके राइवल नेशन हो गया, क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहे थे, वो वॉर नहीं कर रहे थे, वो फाइट नहीं कर रहे थे। तो काफी कुछ अच्छा हुआ कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। यूनाइटेड नेशंस का ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, और काफी सारे जो चीजें हैं जो पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था जिनको, अब उन्हें इम्पोर्टेंस दिया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी भी काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। एज बीन मेंशन्ड बिफोर, कैपिटल, लेबर्स, मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन बिगैन सर्कुलेटिंग ग्लोबली। द गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज अमॉन्ग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स बिगैन टू बी नोन एवरीवेयर। द बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंक्ट एज दे वर बिफोर। ऑल दीज प्रोसेसेस आर टूगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अस बेनिफिट्स, इट हैज ऑल्सो कॉज्ड लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, एज द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक्ड विद ईच अदर, ट्रेड इंक्रीज, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रू, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच नेशंस डिड नॉट रिड्यूस। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि बेसिकली जब कंट्रीज के बीच में रिलेशन बढ़ता है, जैसे पहले के जमाने में ऐसा था कि आउट ऑफ इंडिया जाना वॉज लाइक वेरी वेरी रेयर, ओनली सम पीपल यूज टू गो आउटसाइड इंडिया। नाउ वी सी देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, देर आर सो मेनी पीपल हु आर हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, वी डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कंट्रीज आपस में या एक दो कंट्रीज के साथ अपना नीड्स फुलफिल करते थे। अभी ऐसा है कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा जो ग्लोब है, ग्लोब तो एक्चुअली मतलब हम जब अर्थ का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हम ग्लोब बोलते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया मतलब सब कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए सम वे और दी अदर। ऑब्वियसली इसके सारे काफी सारे बेनिफिट्स थे, जैसे ट्रेड अच्छा हो गया तो इकोनॉमी बेटर होने लगा कंट्रीज का, जो इंटर सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस थे, जैसे हम हमें वेस्टर्नाइजेशन ने अफेक्ट किया, यूएस में इंडिया ने काफी अफेक्ट किया, दे लाइक सम कल्चर्स ऑफ आर्स, वी लाइक सम कल्चर्स ऑफ देयर्स, वी वेयर जीन्स नाउ, टी शर्ट्स, बिफोर वी दैट वॉज नॉट अवर कल्चरल ड्रेस यू कैन से। अगेन, यू ईट पिज्जा, यू ईट पास्ता, ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम फ्रांस, इटली, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज से ये सब डिशेज आए हैं, चाइनीज हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स का बेनिफिट तो हुआ है, बट ऑब्वियसली कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि इवन तो ट्रेड बढ़ा लेकिन रिच और पुअर कंट्रीज का जो गैप है इकोनॉमिकली वो कम नहीं हुआ। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन से। Now, in this chapter, we studied the global developments from 1945 onwards. We understood the world in the Cold War period, the arms race, and the efforts at disarmament. We also learned about the meaning of globalization. In the next chapter, we shall study India's foreign policy. So that's it for this chapter. Now, what you are going to do from exam point of view, या इसे समझने के लिए आपको क्या-क्या
नोट डाउन करना है तो मैं आपको बताते जाता हूँ। काफी सारे आंसर्स तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सबसे पहले तो आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है वो खुद ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर का कंसेप्ट आप लिखेंगे यहाँ पे। यस, सो यू कैन फाइंड द आंसर इन दिस पैराग्राफ, पेज नंबर 60 ऑफ कोल्ड वॉर। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशंस, यहां से लेके यहां तक। सो दिस इज द आंसर फॉर कोल्ड वॉर का कंसेप्ट। सो मैं ऐसे ही मार्किंग दे रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, नॉन अलाइनमेंट। आज के लेक्चर में ही देखा हमने कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था वो क्या होता है, जहां पे कोई एक दूसरे से पार्टिसिपेट किसी भी एक पक्ष का या किसी भी एक साइड का चूज नहीं करते और वो इंडिपेंडेंट रहते हो। सो यू गोइंग टू राइट द एंटायर थिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये है सेकेंड वाला आंसर। इसके बाद इंटरडिपेंडेंस, बाइपोलराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सो इंटरडिपेंडेंस और बाइपोलराइजेशन ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये इफेक्ट्स है। बाइपोलराइजेशन जो है उसका आंसर यहाँ पे है। दिस इज द आंसर ऑफ बाइपोलराइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो से आप यहां से चालू कर सकते हैं यहां पर। सो ये जो आंसर है ग्लोबलाइजेशन का आंसर है। आप इंटरडिपेंडेंस का मैं आप पे छोड़ता तो हूँ, आपको ढूंढना है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए आप इतना लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, एंड यू विल सबमिट इट टुडे बाय 6 PM। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस।